वो बहराइच की धरती से है, वो मोहब्बत गाता है, वो देश प्रेम गाता है और बहुत अच्छा काव्य पाठ है उसकी, उसका स्वर भी बहुत अच्छा है। हमारा एक मेरे बहुत प्रिय भाई हैं और आप सब जानते हैं उनको, नवल सुधांशु, उनकी चार पंक्तियां आती याद आती है मुझे, मैं उसको आमंत्रित करता हूं कि मोहब्बत का मुसाफिर हूं जवां धड़कन मेरा घर है, मोहब्बत का मुसाफिर हूँ जवां धड़कन मेरा घर है, कोई बैठा इन आँखों में तो ये एहसान हम पर है, जमाने की अदाओं में बहुत कुछ भूल बैठा पर नदी को खुद में भर लेना नहीं भूला समंदर है। आप जरा माहौल बना दीजिए, मैं बहराइच से आए हुए प्यारे कवि भाई अभिषेक अवस्थी का स्वागत करता हूँ, जरा जोरदार तालियों के बीच में भाई अभिषेक अवस्थी का स्वागत करता हूँ। पहलवानी करेगा खाड़े वाले से पहले आशीर्वाद पढ़ो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और तुम्हें बता दूं, ये लोग देशभक्ति सुन रहे हैं, ठीक है, तुम प्रेम भी सुना सकते हो और इनकी उम्र भी ठीक ठाक है, ये कर सकते हैं अभी तो करो। माँ शारदे को प्रणाम, तिरंगे पावन परम पूज्य तिरंगे ध्वज को प्रणाम करता हूँ, जिनकी सूक्ष्म छाया हमारे बीच में मौजूद है। इस बीएचयू की संकल्पना के संस्थापक पूज्य मालवीय जी को नमन, गुरुओं को नमन, जिनको जाना था वे चले गए। मैं जानता हूँ जो कविता सुनने के लिए आए थे वो अभी तक बैठे, और ये जानिए कि जो चले गए हैं उन्होंने कुछ नहीं सुना है, और ये आज का दिन आपके लिए वो दिन होगा जो अब तक आपने सुना है। भैया ने कहा था, उनकी अपनी भाषा थी, छोटे पौवे में बोतल का मजा ऐसा कुछ था, मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि काव्य पाठ का असली आनंद आपको मिलेगा। मैं चाहे वीर रस में पढ़ूं या श्रृंगार रस में पढ़ूं, दोनों में आपको, और एक बार दोनों हाथ खोल कर एक बार मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि तालियां वे नहीं बजाते हैं जिनको कोई गम होता है, तालियां वे बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। बताइए एक बार कैसे तालियां बजाई जाती हैं। बहुत धन्यवाद। कवि नीरज ने कहा था, बुझते दीप नहीं देते हैं गौरव नई दिवाली को। ये आज के जितने नए स्वर बैठे हैं ये सब नवयुवा हैं, और आप भी, जिम्मेदारी आप पर है, हम आपके सामने हैं। कविता लीजिएगा, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा, आपकी ताली बजाइए। बुझते दीप नहीं देते हैं गौरव नई दिवाली को, बासी फूल नहीं करते हैं तिलक नई उजियाली को, अरे नए कंठ से ही तो फूटा राग सदैव नए युग का, नए श्लोक ने ही तो उत्तर दिया पुरानी गाली को, नए श्लोक ने ही तो उत्तर दिया पुरानी गाली को, तो उगती हुई बहारों को मनमाने गीत सुनाने दो, महलों के बाहर जनता का सिंहासन ले आने दो, महलों के। और अब भी जो खामोश हैं उनके लिए मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं, अपनी पढ़ दे, पढ़। ये जितने लोग हैं, और भाई साहब ने कहा कि अपनी पढ़िए, सिर्फ अपनी पढ़िए। नहीं नहीं, तुम जिसकी पढ़ना, मैं मजाक कर रहा था, पढ़ो पढ़ो। मैं सबसे पहले अपने गुरुओं की वंदना के लिए दो छंद पढ़ता हूँ, यदि मैं वीर रस में आ गया तो मेरा गला खराब हो जाएगा। हाँ, अभी पढ़ो। गुरुओं के शरण में ये है हमारी निर्मति, अगर है, आपने आज मैम को सुना, चंपावन ने इतना ओजस्वी ऊर्जोस्वित कर दिया, सोचा था कि कैसे पढ़ेंगे क्या होगा, नर्वस्थ मैम को सुनने के बाद ऊर्जा और बढ़ गई। ज्ञान की लौ से मन का दीप बाल देते हैं, ज्ञान की लौ से मन का दीप बाल देते हैं, मिट्टी लेते हैं अमूरत निकाल देते बढ़िया, कहीं पर खीरा कोयले से निकलता होगा, कहीं पर हीरा कोयले से निकलता होगा, ये कोयले को हीरे में ढाल दे। वाह,
वाह वाह वाह। और एक निवेदन गुरुओं से मेरा है, यो किसी की भी परीक्षा मान मत लेना, मेरी बातों का बुरा आप मान मत लेना। श्रेष्ठता में किसी अर्जुन को जिताने के लिए, श्रेष्ठता में किसी अर्जुन को जिताने के लिए एकलव्यों से अंगूठे का दान मत लेना। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऊर्जास्वित कर दिया, ओजस्वित कर दिया। शुभ्र पद्मासनामा वीड़ा पाणी वाणी विश्व रूप ब्रह्माड़ी जाया ब्रह्म भगवान की। नमन है अनेक माते अर्चना है केवल एक, सुर सिखला दे भगवत भारती के गान की। कर दे सुबुद्धि भर दे अंतर में शुद्ध भक्ति, काव्य को बना दे तिग्म रश्मि दिन मान की। और वीड़ा के तार की झंकार कुछ ऐसी कर्मा, विश्व तक पुकार उठे जय हिंदुस्तान। वीड़ा के तार की झकार कुछ ऐसी कर्मा, विश्व तक पुकार उठे जय हिंदुस्तान की। भैया ने लाहौर कराची की बात की थी, एक गलती हमारे राजनेताओं से हो गई तो हमने ये सेवा समर्पण की भावना, ये सेवा के संस्थान हम लाहौर तक भी चलाता यदि एक चीज नहीं हुई होती कि मुल्क को मजहबी जामाना पहनाया होता, मुल्क को मजहबी जामाना पहनाया होता, देश बट्टा नहीं कोई कहीं दंगा होता। और दो जमीनों में जो होते ना सियासी मसले तो ये लाहौर तलक अपना तिरंगा होता। दो सियासों दो जमीनों में जो होते ना सियासी मसले तो ये लाहौर तलक अपना तिरंगा होता। अरे हम लोग यहाँ फकीर जैसे गाने के लिए चले आए हैं, पर भारत माँ की हम हैं कौन, हम जन स्वदेश की मिट्टी का गौरव गायन करने वाले, हम जन स्वदेश की मिट्टी का गौरव गायन करने वाले। इस मिट्टी के ही धन वैभव से, इस धन इस मिट्टी के ही धन अन्नों से पेट भोन भरने वाले हम जन स्वदेश की रक्षा के हित मर मिट जाने वाले। मुझे कविता थोड़ी सी मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि नई कविता लिखी है तुरंत याद नहीं हो जाती है। नहीं ऐसे नहीं लगाते हैं हम। बस एक मिनट रुक जाइए, आग लगी है। हम तो स्वदेश की मिट्टी का गौरव गायन करने वाले, इस मिट्टी के ही धन अन्नों से पेट भरन भरने वाले। हम जन सदैव भारत वंदन एक स्वर में जय गाने वाले। हम गढ़ है लोकतंत्र की रक्षा में मर मिट जाने वाले। हम राष्ट्रपति को के समक्ष श्रद्धा से झुक जाने वाले, हम राष्ट्रपति को के समक्ष श्रद्धा से झुक जाने वाले। हम अमर तिरंगे की खातिर पिछली बार का 26 जनवरी का दिन याद करिए। हम राष्ट्रपति को के समक्ष श्रद्धा से झुक जाने वाले, हम अमर तिरंगे की खातिर गर्दन तक कटवाने वाले। हम राष्ट्र हितों की मर्यादा हित सड़कों पर बिछ जाते हैं, हम आंदोलन में सता तिरंगा ध्वज ऊपर लहराते हैं। हम तो भारत की जनता है, हम तो भारत की जनता हैं, ये उद्घोषणा हमारी है। अपनी सारी जिससे बढ़कर इस मिट्टी की खुददारी है, अपनी सारी जिससे बढ़कर इस मिट्टी की खुददारी है। और ये देश अंधेरों से छटकर उजाला खड़ा है, अंधेरों से छटकर उजाला खड़ा है, फिराकों से छटकर निराला खड़ा है। ये भारत है भाई, यहाँ आज तक भी मजारों से छटकर सिवाला खड़ा है। ये भारत में ही ऐसा है, किसी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और लेकिन हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, कौन है जो गंगा जमुनी धारा बटाने में लगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो अशफाक को अफजल बनाने में लगे हुए हैं। अंधेरों से सटकर उजाला खड़ा है, फिराकों से सटकर निराला खड़ा है। इलाहाबाद इलाहाबाद जाइए और जब आप ब्लड बैंक से महाराणा प्रताप चौक जाएंगे तो ये नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अंधेरों से सटकर उजाला खड़ा है, फिराकों से सटकर निराला खड़ा है। वो भारत है भाई, जहां आज तक भी मजारों से सटकर सिवाला खड़ा है। और दूसरी बात, अभी भैया सुशांत भैया उनके बाद आना, कविता पढ़ना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बन जाता है, डर बन जाता है। और मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ गई, ये दिल होता दीवाना जब हदों को तोड़ देता है। ये दिल होता दीवाना जब, भारतीय संस्कृति की बात थी, हम क्या थे और क्या हो गए। ये दिल होता दीवाना जब हदों को तोड़ देता है, किसी के पास आता है सभी को छोड़ देता है।
यहाँ अब बांट लेते हैं सहोदर सुई धागा तक, यहाँ अब बांट लेते हैं सहोदर सुई धागा तक, यहीं का राम तो सारी अयोध्या छोड़ देता है, यहीं का राम तो सारी अयोध्या छोड़ देता है। और हम उसी संस्कृति के लिए यहाँ पर आए, जब एक बार भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के घर गए तो उनकी एक बात, उन्होंने देखा कि रात को चंद्रशेखर आजाद की माँ अपने पड़ोसन से भोजन के लिए कुछ सामग्रियां, चूंकि घर में कुछ था नहीं, मांग रही थी। भगत सिंह ने जब देखा वो दृश्य, वो आए इलाहाबाद काकोरी का कांड हुआ था, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि इस खजाने से कुछ धन अपने घर भिजवा दीजिए, वहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो जवाब था उसको मैंने कविता में पिरोया है। किसी एक की न होती भारती माँ, ठीक वैसे क्रांति पुत्र एक माँ के बेटे नहीं होते हैं। किसी एक की न होती भारती माँ, ठीक वैसे क्रांति पुत्र एक माँ के बेटे नहीं होते हैं। ऐसी मजबूरी मेरे घर की अकेली नहीं, आज हम सभी के परिजन भूखे पेट सोते हैं। तो भगत बताओ कैसे पक्षपात कर दूं मैं, भूखे सभी लोग सिर्फ हम ही नहीं होते हैं। किसे किसे दूं मैं अन्न, आखिर सभी विपन्न, क्योंकि क्रांतिकारी सेठों के बेटे नहीं होते हैं। क्रांतिकारी सेठों के बेटे नहीं होते हैं। बहुत धन्यवाद। और अभी एक बहुत गाना ट्रेन में चल रहा है यूपी में, काबा। नहीं पता है काबा, जो कुछ देखते हैं वो सब बाबा। अयोध्या मथुरा काशी, मैं इस पर कोई तर्क नहीं करूंगा कि क्या है, मैं ये बताऊंगा कि क्या था। और उस कविता की प्रत्येक पंक्ति यदि आपके पास ठीक ठीक पहुंच जाए तो बताइएगा कि वंदे मातरम का गान गाना राष्ट्रद्रोह सा था। वंदे मातरम का गान गाना राष्ट्रद्रोह सा था, राष्ट्रद्रोहियों के स्वर का बखान होता था। गली गली, गांव गांव, नगर और चौक चौक, बसता सा एक नया पाकिस्तान होता था। गली गली, गांव गांव, नगर व चौक चौक, बसता सा नया एक पाकिस्तान होता था। गली गली, गांव गांव, और कश्मीर केरल तो देश में विदेश से थे, कश्मीर केरल तो देश में विदेश से थे। शेष तोड़ने को द्वेष का विधान होता था, शुक्र मनाओ द्वे वीर बांकुरों का, ना तो टुकड़े में बटा हुआ हिंदुस्तान होता था। शुक्र मनाओ द्वे सिंह बांकुरों का, ना तो टुकड़े में बटा हुआ हिंदुस्तान होता था। और बाबरी विचारकों के द्वारा श्वेत गुम्बदों से शीश काटने का नित्य फरमान होता था। बाबरी विचारकों के द्वारा श्वेत गुम्बदों से शीश काटने का नित्य फरमान होता था। भ्रष्टाचारी माफिया थे आइकन शासन के, अपराधियों का जेल में सम्मान होता था। रामकृष्ण शिव भजना ही, रामकृष्ण शिव जपना ही असहिष्णुता थी, रामकृष्ण शिव भजना ही असहिष्णुता थी। हिंदू अस्मिता का घोर अपमान होता था, हिंदू अस्मिता का घोर अपमान होता था। आज फिरते हैं हाय राम करते उन्हें ही, कल तक राम नाम ही हराम होता था। आज फिरते हैं हाय राम करते उन्हें ही, कल तक राम नाम ही हराम होता था। और एक कविता मात्र आपके बीच में पढ़ूंगा, और ये समर्पण सहयोग इनकी बात करते हुए, मार्ग कठिन होंगे पर्वत से हमको चढ़ना होगा, मार्ग कठिन होंगे पर्वत से हमको चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा साथी आगे बढ़ना होगा। जहां अंधेरा उसी गगन से तारे भी निकलेंगे, जहाँ अंधेरा उसी गगन से तारे भी निकलेंगे। आज अकेले हम निकले कल सारे भी निकलेंगे, ये उपवन ही नहीं सिर्फ वन भी है दावा नल का, आज फूल निकले हैं कल अंगारे भी निकलेंगे। ये उपवन ही नहीं सिर्फ वन भी है दावा नल का, आज फूल निकले हैं कल अंगारे भी निकलेंगे। वर्तमान के अवसर में निर्माण स्वयं का करके, अपना भूत भविष्य अपने हाथों करना होगा, आगे बढ़ना होगा साथी आगे बढ़ना होगा। पेड़ तभी तक अच्छा होता जब तक वो फलता हो, पेड़ तभी तक अच्छा होता जब तक वो फलता हो। दीपक भी तब तक जीवित है जब तक वो जलता हो। पथ लथपथ हो, पग जगमग हो, किंतु रुको मत क्योंकि जीवन भी तब तक रहता है जब तक वो चलता। अपने कर्म पाठ जैसे हैं पुस्तक से जीवन में, हम सब पाठक हैं जिनको मरने तक पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा साथी आगे बढ़ना होगा। और
क्योंकि प्रशांत भैया ने मुझे कहा था कि वीर रस में आपको पढ़ना है उस दिन, जो कि मैं हूं नहीं, फिर मैं एक श्रृंगार की एक छोटी सी रचना पढ़ती है और विभाग पे लिखा था, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। वो कोई गजल है नगमा है या रुबाई, मैं जानता था यही आप यहीं पर वो कृपा यही लटकी थी। वो कोई गजल है नगमा है या रुबाई है, एक लड़की जो हमें फर्स्ट ईयर में आई। अरे भाई पढ़ पढ़ को जल्दी, कैसे आज कैसे दिया कहा जाता है, एक बार तेज से याद, दोनों हाथ खोल के बताइए। वो कोई गजल है नगमा है या रुबाई है, एक लड़की जो एम ए फर्स्ट ईयर में आई, उसकी होठों पे विस्कियां हैं लबों पर प्याले, उसके होठों पे विस्कियां हैं लबों पर प्याले, जुल्फ है जैसे के सावन की घटा छाई है, जुल्फ है जैसे सावन के घटा छाई है, देख भर ले तो शैल मन फिसलने लगता है, पत्थर शैल पर्वत पत्थर, देख भर ले तो शैल मन फिसलने लगता है, झूले पत्थर भी बर्फ सा पिघलने लगता है, उसके होठों की क्या विसा शोक लब इतने, उसके होठों की क्या विषात शोक लब इतने, अरे वो कस के चूम ले तो फूल जलने लगता, वो कस के चूम ले। बहुत धन्यवाद।